अध्याय 3 आदतें। एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने छोटे शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में वो एक छोटे से पेड़ के सामने रुके। इसे उखाड़ दो, शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा और एक अंकुर की तरफ इशारा किया जो जमीन से बाहर ही निकल रहा था। शिष्य ने अपनी उंगलियों से उसे आसानी से बाहर खींच दिया। अब उसे उखाड़ो, शिक्षक ने एक बड़े पौधे की तरफ इशारा किया जो इसकी बजाय ज्यादा बड़ा था, जो लड़के के घुटने जितना ऊंचा था। लड़के ने थोड़ा जोर लगाया लेकिन वो पौधा भी थोड़ी मेहनत के बाद उखड़ गया। और अब इसे शिक्षक ने थोड़े ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया जो छोटे शिष्य जितना ही ऊंचा था। युवा शिष्य को काफी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा और लकड़ियों और पत्थरों से इसकी जिद्दी जड़ें खोदनी पड़ी, तब कहीं जाकर वो इस पेड़ को उखाड़ पाया। बुद्धिमान गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे उखाड़ो। छोटे लड़के ने देखा कि शिक्षक बलूत के एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे जिसका शिखर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इससे काफी छोटे पेड़ को उखाड़ने के लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ा था उसे याद करते हुए शिष्य अपने गुरु से बोला, मुझे अफसोस है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है, गुरु ने समझाया। आदतें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। आदत के गुलाम। अरस्तू ने लिखा था, हम वही हैं जो हम बारंबार करते हैं। मेरियम वेबस्टर ने आदत की परिभाषा बताई है, व्यवहार का वो रूप जो लगभग या पूरी तरह से स्वचालित बन चुका है। घोड़े पर सवार एक आदमी की कहानी है जो तेजी से कहीं जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हो। सड़क के पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? सवार ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। यही ज्यादातर लोगों के जीवन की कहानी है। वो अपनी आदतों के घोड़े पर सवारी कर रहे हैं, उन्हें जरा भी पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप बागडोर अपने हाथों में थामें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं और अपनी आदतों को खुद से चलाने की अनुमति दे रहे हैं तो मैं आपको इसका कारण बताना चाहता हूं और मैं आपको निर्दोष भी साबित करना चाहता हूं। आखिर आपके साथ बहुत से लोग हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हम जो भी महसूस करते, सोचते, करते और हासिल करते हैं उसका 95% सीखी हुई आदतों का नतीजा होता है। जाहिर है हम सहज बोध के साथ पैदा होते हैं लेकिन पैदा होते समय हम में कोई आदत नहीं होती। हम समय के साथ आदत डालते हैं। बचपन से हमने बहुत सी कंडीशंस प्रतिक्रियाएं सीखी जिनकी वजह से हम ज्यादातर स्थितियों पर स्वचालित ढंग से प्रतिक्रिया करने लगते हैं, यानी बिना सोचे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में स्वचालित रूप से जीने के कई सकारात्मक पहलू भी हैं। अगर आपको हर सामान्य काम के हर कदम के बारे में चेतन रूप से सोचना पड़े, नाश्ता बनाना, बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना, ऑफिस पहुंचना आदि, तो आपका जीवन थम जाएगा। आप शायद ऑटो पायलट पर दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। इस दौरान आपके मन में कोई दार्शनिक विचार नहीं आते या बहस नहीं होती, आप बस इसे कर देते हैं। इसी तरह आप जिस पल अपनी सीट पर बैठते हैं अपनी सीट बेल्ट तुरंत लगा लेते हैं, सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं। हमारी आदतें और दिनचर्या हर दिन के कामों में लगने वाली चेतन ऊर्जा को न्यूनतम करने में मदद करती है। वो हमें होशो हवास में रखने में सहायक होती है और हमें ज्यादातर स्थितियों से अच्छी तरह निपटने में सक्षम बनाती है। और क्योंकि हमें नीरस कामों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम अपनी मानसिक ऊर्जा को ज्यादा सृजनात्मक और समृद्धिदायक विचारों पर केंद्रित कर सकते हैं। आदतें सहायक हो सकती हैं बशर्ते वो अच्छी आदतें हों। यदि आप स्वस्थ तरीके से खाते हैं तो संभवतः आपने इस बारे में स्वस्थ आदतें डाल ली हैं कि आप कौन सा भोजन करते हैं और रेस्टोरों में क्या ऑर्डर देते हैं। यदि आप फिट हैं तो ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। यदि आप सेल्स के काम में सफल हैं तो ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि आपकी मानसिक तैयारी और सकारात्मक सेल्फ टॉक की आदतें आपको अस्वीकृति के बावजूद आशावादी बनाए रखती हैं। मैं कई बेहद सफल लोगों, सीईओ और सुपरस्टार से मिल चुका हूं तथा उनके साथ काम भी कर चुका हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि उन सभी में एक आम गुण होता है, उन सभी में अच्छी आदतें होती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें बुरी आदतें नहीं होती, वो भी होती हैं लेकिन ज्यादा नहीं। उनकी अच्छी आदतों की बुनियाद पर बनी दिनचर्या ही सबसे सफल लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। और क्या इसमें समझदारी नजर नहीं आती है? हम अब तक जो बातचीत कर चुके हैं उसमें आप जानते हैं जरूरी नहीं कि सफल लोग शुरुआत से ही दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा गुणी हो, लेकिन
उनकी आदतें उन्हें ज्यादा जानकार, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा सक्षम, ज्यादा योग्य और ज्यादा तैयार बनने की दिशा में ले जाती हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे डैडी आदतों के बारे में मुझे सिखाने के लिए लैरी बर्ड की मिसाल देते थे। लैरी लीजेंड, वो महानतम पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा गुणी खिलाड़ी होने के लिए मशहूर नहीं थे। कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट पर लैरी का वर्णन आकर्षक के रूप में नहीं कर सकता था। खिलाड़ी के रूप में उनकी सीमित नैसर्गिक योग्यता के बावजूद उन्होंने बोस्टन सेल्टिक्स को 3 विश्व चैंपियनशिप्स तक पहुंचाया और सारे समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बन गए। उन्होंने ये कैसे किया? ये लैरी की आदतों की वजह से हुआ। ये अभ्यास करने और अपने खेल को बेहतर बनाने के प्रति उनके निर्मम समर्पण की वजह से हुआ। बर्ड NBA के इतिहास में सबसे कुशल फ्री थ्रो शूटर्स में से एक थे। बड़े होते समय स्कूल जाने से पहले हर सुबह 500 फ्री थ्रो शॉट का अभ्यास करना उनकी आदत थी। इस तरह के कठोर अनुशासन से लैरी ने अपनी ईश्वर प्रदत्तता योग्यता को अधिकतम किया और बास्केटबॉल कोर्ट पर कुछ सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सामने मुश्किलें खड़ी की। लैरी बर्ड की तरह आप भी अपनी स्वचलित और अचेतन प्रतिक्रियाओं को विकसित चैंपियन की तरह ढाल सकते हैं। यह अध्याय इस बारे में है कि अगर आप में किसी क्षेत्र में अंदरूनी योग्यता का अभाव है तो आप अनुशासन, कड़ी मेहनत और अच्छी आदतों से उसकी भरपाई करने का चयन कर सकते हैं। ये चैंपियन आदत डालने के बारे में है। पर्याप्त अभ्यास और दोहराव के बाद कोई भी व्यवहार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, समय के साथ स्वचलित बन जाता है। इसका मतलब है कि हालांकि हमने अपनी ज्यादातर आदतें अचेतन रूप से डाली हैं, अपने माता पिता की देखा देखी, परिवेश या सांस्कृतिक जुड़ावों पर प्रतिक्रिया करते हुए या बाहरी संसार से मुकाबला करने के लिए, लेकिन हम चेतन होकर उन्हें बदलने का निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आपने अपनी हर मौजूदा आदत को सीखा है, इसलिए यह तर्कपूर्ण है कि जिन आदतों से आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपका उन्हें सीखना जरूरी है, यानी छोड़ भी सकते हैं। तैयार हैं तो ये लीजिए, तुरंत संतुष्टि के जाल से बाहर निकलने का तरीका सोचकर शुरुआत करें। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पेस्ट्री या केक खाने से हमारी कमर पतली नहीं होगी। हम जानते हैं कि रात को 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखने या सोशल मीडिया में जुटे रहने से हमारा समय बर्बाद होगा, जबकि हम इस दौरान कोई अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं या कोई जबरदस्त ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ बेहतरीन रनिंग शू खरीदने भर से ही हम मैराथन के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। हम तार्किक प्रजाति हैं, कम से कम हम अपने बारे में यही सोचते हैं। तो फिर हम इतनी सारी बुरी आदतों के अतार्किक रूप से गुलाम क्यों हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुरंत संतुष्टि की हमारी आवश्यकता हमें सबसे प्रतिक्रियाशील और सबसे कम सोचने वाले जानवरों में बदल सकती है। अगर आप मैकडोनल्ड्स का बिग मैक खाते और आपको तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता हो, तो आप दूसरा कौर खाने के लिए दोबारा वहां नहीं जाते। अगर सिगरेट के पहले ही कश के साथ आपके चेहरे पर 85 साल के बूढ़े जितनी झुर्रियां पड़ जाती, तो संभवतः आप दूसरा कश नहीं लगाते। अगर आज 10वीं कॉल नहीं कर पाने के कारण आपको तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया जाता और आप दिवालिया हो जाते, तो आपके लिए फोन करना मुश्किल नहीं होता। और अगर केक के पहले कौर से ही आपके शरीर का वजन 50 पाउंड बढ़ जाता, तो आपको केक को अलविदा कहने में कोई दिक्कत नहीं आती। समस्या यह है कि बुरी आदतों से जो त्वरित संतुष्टि या तात्कालिक पुरस्कार मिलता है, वो अक्सर बहुत बड़ा होता है। इसकी तुलना में आपके तार्किक मन के दीर्घकालीन परिणामों की कल्पना काफी कमजोर होती है। हमारी बुरी आदतों का उस क्षण कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिखता है। आपको हार्ट अटैक नहीं आता है, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, आप बेरोजगारों की कतार में नहीं पहुंच जाते हैं और आपकी जांघें फूलकर कुप्पा नहीं हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संचयी परिणाम के सिद्धांत को सक्रिय या गतिशील नहीं किया है। ये समय है कि आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर लें कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं, वो आपके जीवन में चक्रवृद्धि होकर बार बार तबाही ला सकती हैं। दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन के परिणामों को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। देखिए, मैं परिवर्तन की लंबी छलांगों या आपके व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन के आमूल चूल बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बेहद छोटे, लगभग महत्वहीन दिखने वाले परिवर्तन हर चीज को बदल सकते हैं और आपके जीवन में क्रांति कर सकते हैं। छोटे परिवर्तनों या बदलावों की शक्ति पर जोर देने के लिए मैं आपको जो सबसे अच्छा उदाहरण दे सकता हूं, वो उस हवाई जहाज का है जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा है। अगर विमान की नाक दिशा से केवल 1% इधर उधर हो, जब विमान लॉस एंजलिस में खड़ा हो, तो ये नजर नहीं आएगा। तो यह अंततः अपनी मंजिल से लगभग 150 मील दूर पहुंच जाएगा और या तो ये अल्बानी में उतरेगा या फिर डोवर डेलावेयर में। यही आपकी आदतों के साथ होता है। एक अकेली खराब आदत जो उस पल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखती, आपको अंततः अपने लक्ष्यों और अपने मनचाहे जीवन की दिशा से मीलों दूर पहुंचा सकती है।
ज्यादातर लोग ये पता लगाने में ज्यादा चेतन खर्च नहीं करते कि वो सटीकता से क्या चाहते हैं और खुद को वहां पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जोश को कैसे सुलगाएं और अपनी अजेय सृजनात्मक शक्ति को अपने दिल के सपनों व इच्छाओं की दिशा में कैसे लगाएं। जाहिर है, जो बुरी आदतें समय के साथ शक्तिशाली वृक्ष बन चुकी हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल और श्रमसाध्य होगा। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे निर्मम संकल्प से भी ज्यादा करने की जरूरत होगी। केवल इच्छा शक्ति से यह नहीं उखड़ेगा। अपने मोजो, अपनी क्यों शक्ति को खोजें। अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये मानना वैसा ही है जैसे आप अपनी पिकनिक बास्केट को नैपकिन से ढककर ये उम्मीद करें कि कोई भूखा भालू उसे नहीं खाएगा। अपनी बुरी आदतों से जूझने के लिए आपको इससे ज्यादा शक्तिशाली चीज की जरूरत है। अगर आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने में मुश्किल आ रही है, तो आमतौर पर आप ये मान लेते हैं कि आप में इच्छा शक्ति की कमी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सफल होने का चयन करना ही काफी नहीं है। आपको जो नए सकारात्मक चयन करने की जरूरत है, उन्हें आप निरंतर कैसे रख पाएंगे? आपको अपना ध्यान रहित बुरी आदतों में दोबारा फिसलने से कौन रोकेगा? आप पहले भी ऐसा करने की असफल कोशिश कर चुके हैं, इस बार क्या अलग होगा? जैसे ही आप थोड़े से असहज होंगे, आप अपनी पुरानी आरामदेह दिनचर्या में फिसलने के लिए ललचा जाएंगे। आपने इच्छा शक्ति को पहले भी आजमाया था, लेकिन ये नाकाम रही थी। आपने संकल्प लिए थे, लेकिन फिर आपने उन्हें छोड़ दिया। आपने पिछली बार सोचा था कि आप बहुत सा वजन घटाने जा रहे हैं। आपने पिछले साल सोचा था कि आप वो सारी सेल्स कॉल करने जा रहे हैं। आइए पागलपन छोड़ दें और कुछ अलग करें, ताकि आपको अलग और बेहतर परिणाम मिल सके। इच्छा शक्ति के बारे में भूल जाएं। ये क्यों शक्ति को आजमाने का समय है। आपके चयन सिर्फ तभी सार्थक होते हैं जब आप उन्हें अपनी इच्छाओं और सपनों से जोड़ देते हैं। सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और सबसे प्रेरक चयन वो होते हैं जो उस बेहद महत्वपूर्ण चीज से जुड़े होते हैं जिसे आप अपना उद्देश्य, अपना मूल स्वरूप या अपने सर्वोच्च जीवन मूल्य मानते हैं। किसी चीज की सिर्फ इच्छा करना ही काफी नहीं होता। आपको तो ये भी जानना होगा कि आप इसे क्यों चाहते हैं, वरना अंत में आप आसानी से हार मान लेंगे। तो आपका क्यों क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण सुधार क्यों करना चाहते हैं, और आवश्यक परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा तभी होगी जब आपका क्यों आपको जबरदस्त प्रेरणा दे। आपके भीतर बरसों तक उस राह पर चलते और चलते रहने की इच्छा होनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आंदोलित करती है? अपने क्यों को पहचानना बेहद महत्वपूर्ण है। यही आपको प्रेरित करता है, आपके जोश का इग्निशन है, आपके उत्साह का स्रोत है और आपकी लगन का ईंधन है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने इस पर एक और पुस्तक में ध्यान केंद्रित किया है, लिविंग योर बेस्ट ईयर एवर, अ प्रूवन सिस्टम फॉर अचीविंग बिग गोल्स। आपको अपना क्यों मालूम होना चाहिए। हर चीज क्यों संभव है। आपकी क्यों की शक्ति ही आपको संघर्ष भरे, निरस्था भरे और मेहनत भरे दौर में संकल्पवान और लगनशील रखती है। जब तक आपका क्यों प्रबल नहीं है, तब तक ये जानने से कोई फायदा नहीं होगा कि कोई काम कैसे करना है। जब तक आपकी इच्छा और प्रेरणा सही जगह पर नहीं होंगे, आप किसी भी नए रास्ते को छोड़ देंगे जिस पर चलकर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आपकी क्यों शक्ति, आपकी इच्छा पर्याप्त प्रबल नहीं है, अगर आपके संकल्प की शक्ति पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तो आपका अंत भी हर उस व्यक्ति की तरह होगा जो नववर्ष के संकल्प लेता है, लेकिन बहुत जल्दी हार मान लेता है और दोबारा स्वचलित खराब चयन करने लगता है। आइए इसे समझाने के लिए एक उपमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं जमीन पर 10 इंच चौड़ा और 30 फुट लंबा पट्टिया रखकर आपसे कहूं, अगर आप इस पट्टी पर इधर से उधर पहुंच जाएंगे तो आपको $20 दूंगा, तो क्या आप कहेंगे? जाहिर है ये $20 आपको आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं उसी पट्टिये से 100 मंजिला दो इमारतों की छतों पर पुल बना दूं, अब आपको $20 में उस पट्टी पर 30 फुट चलना मंजूर नहीं होगा। यहां तक कि असंभव भी लगेगा, है ना? आप मुझसे कहेंगे कभी नहीं। लेकिन जरा कल्पना करें, अगर आपका बच्चा दूसरी इमारत में है और उसमें आग लगी है, तो क्या आप उसे बचाने के लिए उस पट्टी पर 30 फुट चलेंगे? बिना कोई सवाल पूछे और तुरंत आप ये काम कर देंगे, चाहे $20 मिले या ना मिले। ऐसा क्यों हुआ? पहली बार जब मैंने आपसे यह आसमान जितना ऊंचा पट्टिया पार करने को कहा था, तो आप उसे किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरी बार आपने ये काम बिना किसी हिचक के कर दिया। जोखिम और खतरा तो समान था, फिर क्या अंतर था? आपका क्यों बदल गया था? इसे करने की इच्छा का आपका कारण। आप वो काम $20 की खातिर नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने बच्चे को बचाने की खातिर आपने इसे कर दिया। देखिए, जब कारण पर्याप्त बड़ा हो, तो आप लगभग कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
आपकी सृजनात्मक क्षमता और अंदरूनी प्रेरणा को सचमुच प्रज्वलित करने के लिए आपको आर्थिक व भौतिक लक्ष्यों की प्रेरणा को पार देखना होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेरणाएं बुरी हैं, वास्तव में ये बेहतरीन है। मुझे अच्छी चीजें पसंद हैं, लेकिन कोई भौतिक चीज आपके हृदय और आत्मा को सचमुच प्रेरित नहीं कर सकती। ये जोश ज्यादा गहरी जगह से आता है, और भले ही आप चमचमाती वस्तुएं हासिल कर लें, लेकिन आप असली पुरस्कार हासिल नहीं कर पाएंगे, खुशी और संतोष। पीक परफॉर्मेंस विशेषज्ञ टोनी रॉबिन्स ने इंटरव्यू में मुझे बताया था, मैंने व्यवसाय की दुनिया के शहंशाहों को उनके चरम लक्ष्य हासिल करते देखा है, लेकिन इसके बाद भी वो कुंठा, चिंता और डर में जीते हैं। इन सफल लोगों को खुश होने से कौन सी चीज रोक रही है? जवाब यह है कि उन्होंने संतुष्टि की बजाय उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित किया। असाधारण उपलब्धि, असाधारण खुशी, आनंद, प्रेम और अर्थ के एहसास की गारंटी नहीं देती। संतुष्टि और उपलब्धि दोनों को ही दरअसल एक दूसरे से पोषण मिलता है, और मैं मानता हूं कि संतुष्टि के बिना सफलता दरअसल असफलता है। सही बात। इसीलिए सफल होने का चयन करना ही काफी नहीं है, आपको अपने सुपर पावर को सक्रिय करने के लिए अपनी मूल प्रेरणा खोजनी होगी, और इसके लिए आपको इसमें ज्यादा गहराई तक खुदाई करनी होगी, तभी आप अपनी क्यों शक्ति तक पहुंच पाएंगे। मूल प्रेरणा आपकी क्यों शक्ति तक पहुंचने का बिंदु आपके बुनियादी जीवन मूल्यों के जरिए है, जो ये तय करते हैं कि आप कौन हैं और किसके लिए खड़े हैं। आपके बुनियादी जीवन मूल्य आपका आंतरिक कंपास है, मार्गदर्शक और प्रकाश स्तंभ है, व्यक्तिगत GPS है। वो फिल्टर का काम करते हैं जिनके माध्यम से आप जीवन की मांगों, आग्रहों और प्रलोभनों को देखते हैं, तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि वो आपको आपकी मनचाही मंजिल की ओर ले जाते हैं। अपनी बुनियादी जीवन मूल्यों को परिभाषित करना और सही दिशा में रखना बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल ये अपने जीवन को अपने सबसे बड़े सपने की ओर ले जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यदि आपने अब तक अपने जीवन मूल्यों को स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया है, तो आप ऐसे चयन कर सकते हैं जो आपकी मनचाही चीजों के संघर्ष में होंगे। मिसाल के तौर पर, अगर ईमानदारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप झूठे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये संघर्ष की स्थिति है। जब आपके काम आपके जीवन मूल्यों के विपरीत होते हैं, तो आप अंततः नाखुश, कुंठित और निराश होंगे। वास्तव में मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि जब हमारे कार्य और व्यवहार हमारे जीवन मूल्यों के सामंजस्य में नहीं होते हैं, तो इससे इतना ज्यादा तनाव होता है जितना किसी दूसरी चीज से नहीं होता। आपके बुनियादी जीवन मूल्यों परिभाषित होने पर जीवन ज्यादा सरल और कार्य कुशल बन जाता है। जब आपके बुनियादी जीवन मूल्य पूरी तरह स्पष्ट होते हैं, तो निर्णय लेना भी ज्यादा आसान होता है। एक बार मैंने अपने बुनियादी जीवन मूल्यों को स्पष्ट करने का अभ्यास किया। अंततः मैंने अपने तीन सबसे बड़े जीवन मूल्यों को तय किया, विकास, उत्कृष्टता और प्रभाव। इसके बाद छोटे बड़े दोनों स्तरों पर निर्णय लेना ज्यादा स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो गया। जब भी आपको कोई चयन करना हो, तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे बुनियादी जीवन मूल्यों के सामंजस्य में है? अगर ये है तो इसे कर दें, अगर नहीं है तो ना करें, और फिर पीछे पलट कर ना देखें। इस सरल नीति से सारी चिंता और अनिर्णय खत्म हो जाते हैं। अपना युद्ध खोजें। लोग या तो उस चीज से प्रेरित होते हैं जिसे वो चाहते हैं, या उस चीज से होते हैं जिसे वो नहीं चाहते। प्रेम बहुत शक्तिशाली और प्रेरक शक्ति है, लेकिन नफरत भी कम शक्तिशाली नहीं होती। सामाजिक नैतिकता के आग्रहों के बावजूद नफरत करना अच्छा हो सकता है। रोग से नफरत करें, अन्याय से नफरत करें, अज्ञान से नफरत करें, आत्मसंतुष्टि से नफरत करें आदि। कई बार तो किसी शत्रु को पहचानने से ही आपके जोश की चिंगारी सुलग जाती है। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, संकल्प और लगन मुझे तब मिली है जब मेरे पास लड़ने के लिए कोई शत्रु था। इतिहास में सबसे कायाकल्प करने वाली कहानियां और राजनीतिक क्रांतियां किसी शत्रु से लड़ने के फलस्वरूप आई। डेविड के सामने गोलियत था, अमेरिका के सामने ब्रिटेन था, ल्यूक के सामने डार्थ वेडर था, रॉकी के सामने अपोलो क्रीड था, पेप्सी के सामने कोक है, डीसी कॉमिक्स के सामने मार्वल कॉमिक्स है, टेलर स्विफ्ट के सामने कान्ये वेस्ट है। हम आगे भी इसी तरह के ढेरों उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आप मुद्दे की बात समझ गए होंगे। शत्रु हमें साहस के साथ डटकर खड़े होने का कारण देते हैं। लड़ने से आपकी योग्यताओं, आपके चरित्र और आपके संकल्प को चुनौती मिलती है। इससे आप अपने गुणों तथा अपनी योग्यताओं के आकलन व अभ्यास के लिए मजबूर होते हैं। प्रेरक युद्ध के बिना हम मोटे और आलसी बन सकते हैं। हम अपनी शक्ति और उद्देश्य खो देते हैं। मार्गदर्शन लेने वाले मेरे कुछ ग्राहकों के मन में चिंता रहती है कि उनकी क्यों की शक्ति ऐसे लक्ष्यों से उत्पन्न होती है जिन्हें महान नहीं कहा जा सकता। वो अपराधी महसूस करते हैं कि वो आलोचकों को गलत साबित करना चाहते हैं, या उस व्यक्ति को पलट कर जवाब देना चाहते हैं जिसने कहा था कि
वो कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, या प्रतिस्पर्धा को हराना चाहते हैं, या आखिरकार उस भाई को हराना चाहते हैं जिसने हमेशा उन्हें दबा कर रखा था। लेकिन दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेरणा क्या है, जब तक कि यह कानूनी और नैतिक हो। यह जरूरी नहीं कि आप महान मानवतावादी कारणों से प्रेरित हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप पूरी तरह प्रेरित महसूस करें। कई बार तो आप किसी शक्तिशाली नकारात्मक भावना या अनुभव से मिली प्रेरणा की बदौलत ज्यादा शक्तिशाली और सफल परिणाम पा सकते हैं। ये निश्चित रूप से पीट कैरोल नामक मशहूर फुटबॉल कोच के बारे में सच है। पीट ने मेरे सामने अपनी शुरुआती प्रेरणा को इस तरह स्पष्ट किया, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं बहुत छोटा था, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था। मुझे एक ऐसी जगह जाने में 2 साल लग गए जहां मैं प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उस पूरे समय में मैं ये बात जानता था कि मैं बहुत बेहतर था और मुझे इसे साबित करने के लिए लड़ना होगा। मैं कुंठित था क्योंकि मैं जानता था कि मैं खास बन सकता हूं। कैरोल की लड़ने की आवश्यकता ने अंततः उनकी महानता को सबके सामने उजागर कर दिया। मैंने जब मशहूर अभिनेता एंथनी हॉकिंस का इंटरव्यू लिया तो मुझे जानकर हैरानी हुई कि उनके असाधारण गुण और संकल्प क्रोध का परिणाम थे। हॉकिंस ने स्वीकार किया कि वो बहुत बुरे विद्यार्थी थे क्योंकि उन पर डिसलेक्सिया और अटेंशन डेफिसिट हाइपर इक्वालिटी डिसऑर्डर ADHD का बोझ था। लेकिन तब उनकी समस्या को ना तो समझा जाता था, ना ही उसके उस तरह के निदान मौजूद थे जितने आज हैं। इसलिए उन पर समस्या खड़े करने वाले बच्चे का लेबल लगा दिया गया था। हॉकिंस ने बताया, मेरी वजह से मेरे माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। मेरा कोई स्पष्ट भविष्य नहीं था क्योंकि स्कूल की पढ़ाई और शिक्षा महत्वपूर्ण थी, लेकिन मुझ में पढ़ाई गई बातों को समझने की योग्यता नजर नहीं आती थी। मेरे सभी कजिन बहुत होशियार थे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि पूरा समाज मुझसे द्वेष करता है, मुझे अस्वीकार करता है, और मैं बहुत निराश था। हॉकिंस ने अपने क्रोध की शक्ति का दोहन किया। पहले तो उसने इन्हें पढ़ाई लिखाई या खेलकूद के बाहर सफलता हासिल करने और जूझने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता चला कि उनमें अभिनय का हल्का सा गुण है, इसीलिए उन्होंने अपमानजनक ठप्पों के प्रति अपने भारी गुस्से को अपनी प्रेरणा बना लिया और अभिनय कला के प्रति समर्पित हो गए। आज हॉकिंस को महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने जो शोहरत और दौलत हासिल की है उसकी बदौलत हॉकिंस नशे से उबरने में असंख्य लोगों की मदद कर चुके हैं, साथ ही पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान दे चुके हैं। हालांकि शुरुआत में उनका उद्देश्य महान नहीं था, लेकिन अंतिम परिणाम में उनका जुझारूपन स्पष्ट रूप से सार्थक रहा। हम सभी शक्तिशाली चयन कर सकते हैं। हम अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, बशर्ते अपने परिणामों के लिए संयोग, किस्मत या किसी दूसरे को दोष ना दें। अपने जीवन में परिवर्तन करने से हम पूरी तरह समर्थ और योग्य हैं। अतीत के कष्टकारी अनुभवों को अपनी ऊर्जा चूसने और अपनी सफलता को तबाह करने की अनुमति ना दें। इसके बजाय उन्हें सकारात्मक सृजनात्मक परिवर्तन का ईंधन बनाएं। लक्ष्य, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, संचयी परिणाम का सिद्धांत हमेशा काम कर रहा है और यह आपको हमेशा कहीं पर ले जा रहा है। प्रश्न यह है, कहां? आप इस अदम्य शक्ति का दोहन करके नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप किन लक्ष्यों, स्वप्नों और मंजिलों को हासिल करने की इच्छा रखते हैं? जब मैंने अपने एक और मार्गदर्शक पॉल जे मायर की अंत्येष्टि में हिस्सा लिया तो मुझे उनके जीवन की समृद्धि और विविधता याद आ गई। उन्होंने कम से कम 12 लोगों के बराबर परिणाम हासिल किए थे, अनुभव लिए थे और योगदान दिया था। उनकी श्रद्धांजलि से प्रेरित होकर मैंने उन लक्ष्यों की संख्या और आकार पर दोबारा नजर डाली जो मैंने अपने लिए तय किए थे। अगर पॉल यहां होते तो वो हमसे कहते, अगर आप वो प्रगति नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और करने में सक्षम हैं, तो ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपने अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से तय नहीं किया है। पॉल का सबसे यादगार कथन हमें लक्ष्यों के महत्व की याद दिलाता है। आप जिसकी भी स्पष्टता से कल्पना करते हैं, शिद्दत से इच्छा करते हैं, गंभीरता से विश्वास करते हैं और उत्साह से काम करते हैं, वो हमेशा घटित हो जाएगा। मेरे जीवन में समृद्धि के लिए एक योग्यता सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ये सीखना कि सफलतापूर्वक लक्ष्य कैसे बनाए जाएं और हासिल कैसे किए जाएं। जब आप अपनी सृजनात्मक शक्ति को किसी स्पष्ट लक्ष्य पर व्यवस्थित और केंद्रित करते हैं तो कोई जादुई चीज होती है। मैंने इसे बार बार देखा है। संसार के सबसे ज्यादा सफल होने वाले लोग इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने स्वप्न का नक्शा बनाया। जिस व्यक्ति के पास एक स्पष्ट, दमदार और धधकता हुआ क्यों होता है, वो हमेशा कैसे में निपुण सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को भी हरा देगा। लक्ष्य तय करना सचमुच किस तरह काम करता है, रहस्य उजागर। आपको सिर्फ वही दिखता है, अनुभव होता है और मिलता है जिसकी आप तलाश करते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से वो चीज नहीं मिलेगी। मनुष्य स्वभाव से लक्ष्य खोजी या लक्ष्य भेदी रहा है। हमारा मस्तिष्क
हमारे बाहरी संसार को संसार के सामंजस्य में लाने की हमेशा कोशिश करता है जो हम अपने अंदर देख रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए जब आप अपने मस्तिष्क को निर्देश देते हैं कि ये आपकी मनचाही चीजों को तलाश करे तो वो आपको दिखने लगेंगी। वास्तव में संभवतः आपकी मनचाही चीज हमेशा आपके आसपास मौजूद थी, लेकिन आपका मन और आंखें इसे देखने के प्रति खुली नहीं थी। आकर्षण का नियम दरअसल इसी तरह काम करता है। ये कोई रहस्यमय जादू नहीं है जैसा आपको शुरुआत में लग सकता है, ये उससे बहुत ज्यादा सरल और ज्यादा व्यवहारिक है। हर दिन हम पर अरबों इंद्रियात्मक जानकारियों की बमबारी होती है, दिखने वाली, सुनाई देने वाली, शारीरिक। पगलाने से बचने के लिए हम उनमें से 99.9% को नजरअंदाज कर देते हैं और दरअसल सिर्फ उन्हीं को देखते, सुनते या अनुभव करते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नजर आता है कि आप इसे चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में ला रहे हैं। दरअसल आप अब उसे देखने लगे हैं, हालांकि वो पहले से वहां था। आप सोचकर इसे सचमुच अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप तब तक इसे देख ही नहीं सकते जब तक कि आपके विचार इस पर एकाग्र नहीं होते और आप इसे देखने के लिए अपने मन को निर्देश नहीं देते। समझदारी लगती है? देखिए, ये जरा भी रहस्यमय नहीं है, ये दरअसल काफी तार्किक है। अब ये नई अनुभूति आने के बाद क्या होगा? जब आपका मन उस नई चीज के बारे में सोचने लगेगा तो ये उस पर ध्यान केंद्रित करेगा और अचानक उस 99.9% बचे हुए हिस्से के भीतर देखने लगेगा जिसे इसने अब तक नजरअंदाज किया था। यहां मैं एक पुराना उदाहरण बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत सच है। जब आप किसी खास मॉडल की नई कार खरीदने की सोचते हैं तो अचानक आपको उस मॉडल की कारें हर जगह दिखाई देने लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे रातों रात वो हजारों की तादाद में सड़क पर आ गई थी, क्योंकि कल तक तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन क्या ये सच है? जाहिर है नहीं। वो सड़क पर पहले भी थी लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब तक आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तब तक आपके लिए वो सचमुच मौजूद नहीं थी। जब आप अपने लक्ष्य तय करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई चीज दे रहे हैं जिसकी ये तलाश करे और ध्यान केंद्रित करे। ऐसा लगता है मानो आप अपने मन को नई आंखें दे रहे हैं जिनसे ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों, बातचीतों, संसाधनों और सृजनात्मकता को देखे। इस नए दृष्टिकोण, एक आंतरिक मंजिल के साथ आपका मन बाहर उसकी समानता खोजने चल देता है जिसे आप अंदर सबसे ज्यादा चाहते हैं, आपका लक्ष्य। ये इतना ही सरल है। जब आप अपने लक्ष्य स्पष्टता से तय कर लेते हैं उसके बाद आपके संसार का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि इसके बाद उस लक्ष्य से संबंधित विचार, लोग और अवसर आपके जीवन में आने लगेंगे या दिखने लगेंगे। ये फर्क बहुत गहरा होता है। ब्रायन ट्रेसी ने मुझे इंटरव्यू देते समय बताया था, शीर्षस्थ लोगों के बहुत स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। वो जानते हैं कि वो कौन हैं और वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो अपने लक्ष्य लिख लेते हैं और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाते हैं। असफल लोग अपने लक्ष्य अपने दिमाग में उसी तरह रखते हैं जैसे बच्चे किसी डिब्बे में कंचे रखते हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। हम कहते हैं कि जिस लक्ष्य को लिखा नहीं जाता है वो कोरी फैंटेसी होता है। देखने वाली बात यह है कि फैंटेसियां हर एक के पास होती हैं, लेकिन ये फैंटेसियां उस गोलियों की तरह हैं जिनके खोल में कोई बारूद नहीं होता। लिखित लक्ष्यों के बिना लोग जीवन भर गोलियों की जगह खाली खोल ही चलाते रहते हैं और ये शुरुआती बिंदु है। मेरी सलाह है कि आप आज ही थोड़ा समय निकालकर अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची बना लें। मेरा सुझाव है कि आप केवल अपने व्यवसायिक या आर्थिक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में लक्ष्य बनाएं। इस बारे में सावधान रहें क्योंकि अपने जीवन के किसी एक पहलू पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आपको ऊंची कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए क्योंकि तब आप हर दूसरी चीजों को नजरों से उछल कर देंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लक्ष्य तय करें ताकि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन रहे। व्यवसाय, वित्त, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, परिवार और संबंध तथा जीवन शैली। आपको क्या बनना है? नए लक्ष्य बनाने वाले ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं। ठीक है, मैंने लक्ष्य चुन लिया है, अब इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? ये बुरा सवाल नहीं है, लेकिन वो पहला सवाल नहीं है जो मैं पूछना चाहिए। हमें तो सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए, मुझे क्या बनने की जरूरत है? आप शायद कुछ लोगों को जानते हैं जो हर चीज सही से करते हैं लेकिन फिर भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? जिम रॉन ने मुझे सिद्धांत सिखाया था, अगर आप ज्यादा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बनना होता है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करें। जिस चीज का आप पीछा करेंगे वो आपको चकमा दे जाएगी। ये तो तितलियों के पीछे भागने जैसा होता है। सफलता तो ऐसी चीज है जिसे आप अलग तरह की व्यक्ति बनकर आकर्षित करते हैं।
जब मैं उस दर्शन को समझ गया तो वाह, इसने मेरे जीवन और व्यक्तिगत विकास में क्रांति कर दी। जब मैं कुवारा था और शादी करना चाहता था तो मैंने उन गुणों की लंबी सूची बनाई जो मेरे लिए आदर्श महिला में होने चाहिए थे। मैंने एक जर्नल के 40 पन्नों में पूरे विस्तार से उसका वर्णन किया, उसका व्यक्तित्व, चरित्र, मुख्य विशेषताएं, नजरिए और जीवन दर्शन, ये भी वो किस तरह के परिवार से आएगी, उसकी सांस्कृतिक और शारीरिक संरचना, यहाँ तक कि उसके बालों का होलिया भी। मैंने गहराई में लिखा कि हमारा जीवन कैसा होगा और हम एक साथ क्या करेंगे। इसके बाद अगर मैं सिर्फ ये सवाल पूछता मुझे इस तरह की लड़की खोजने और पाने के लिए क्या करना होगा, तो मैं शायद अब भी तितलियों के पीछे दौड़ रहा होता। इसके बजाय मैंने उस सूची को देखकर ये सोचा कि क्या मुझ में खुद ये विशेषताएं हैं, क्या मुझ में वही गुण हैं जिनको मैं अपनी आदर्श महिला में उम्मीद कर रहा था। मैंने खुद से पूछा, इस जैसी महिला किसी तरह के पुरुष की तलाश कर रही होगी, इस शानदार महिला को आकर्षित करने के लिए मुझे क्या बनने की जरूरत है। मैंने 40 और पन्ने लिख डाले जिनमें मैंने उन सभी विशेषताओं, गुणों, व्यवहारों, नजरियों और लक्ष्यों का वर्णन किया जो मुझ में होने चाहिए थे। फिर मैं उन गुणों को हासिल करने में जुट गया। जानते हैं क्या हुआ, यह कारगर रहा। मेरी पत्नी जॉर्जिया ठीक वैसी ही है मानो वो मेरे जर्नल में से निकली हो और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। वो हूबहू वैसी ही है जैसा मैंने वर्णन किया था और मांगा था। कुंजी इस बारे में स्पष्ट होना था कि इतनी अच्छी महिला को आकर्षित करने के लिए मुझे क्या बनना होगा और फिर मुझे उस दिशा में मेहनत करने की जरूरत थी। मुश्किल से बचें, ठीक है, आइए आपने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने की आपकी प्रक्रिया का नक्शा बनाते हैं। ये कुछ करने या कुछ मामलों में करना छोड़ने की प्रक्रिया है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच क्या खड़ा है, यह आपका व्यवहार है। क्या आपको कोई चीज करना छोड़ने की जरूरत है ताकि संचयी परिणाम का सिद्धांत आपको नीचे की ओर ना ले जाए। इसी तरह आपको अपनी दिशा बदलने के लिए क्या करना चाहिए ताकि संचयी परिणाम का सिद्धांत आपको सबसे लाभकारी दिशा में ले जाए। दूसरे शब्दों में, आपको कौन सी आदतें और व्यवहार अपने जीवन में हटाने चाहिए और कौन से बढ़ाने चाहिए। आपका जीवन इस फॉर्मूले पर आता है, आप चयन प्लस व्यवहार प्लस आदत प्लस संचित इक्वल टू लक्ष्य, यानी निर्णय, कार्य, दोहराए गए कार्य, वो समय। इसलिए पता लगाना अनिवार्य है कि कौन से व्यवहार लक्ष्य हासिल करने से आपको रोक रहे हैं और कौन से व्यवहार लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आपके मन में मुगालता हो सकता है कि आपको अपनी सारी बुरी आदतें मालूम हैं, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि आप गलत हैं। इसलिए निगरानी इतनी प्रभावी और महत्वपूर्ण होती है। मेरा मतलब है, देखिए, ईमानदारी से, क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन सचमुच कितने घंटे टीवी देखते हैं, आप न्यूज चैनलों पर कितने घंटे बिताते हैं, या खेलों या स्टाइल नेटवर्क्स पर दूसरों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की खबर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में सोडा के कितने कैन पी जाते हैं, या आप सोशल मीडिया को देखने में कंप्यूटर पर कितने घंटे गैर जरूरी काम करते हैं, जैसा मैंने पिछले अध्याय में जोर दिया था। आपका पहला काम इस बारे में जागरूक बनना है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप काम में कहां सोए हुए हैं और आपने एक अचेतन बुरी आदत डाल ली है जो आपको भटका रही है। मैं एक सफल एग्जीक्यूटिव के साथ एक गैर लाभकारी कंपनी के संचालक मंडल में था। उसने कुछ समय पहले मुझे अपना मार्गदर्शक बनाया और वो अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मेरी मदद चाहता था। वैसे उसका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन वो जानता था कि थोड़ी सही कोचिंग से वो अपने समय और आउटपुट को अधिकतम कर सकता था। मैंने उसे कहा कि वो एक सप्ताह तक अपनी पूरी गतिविधियों की निगरानी करे। 7 दिन बाद उसकी इक्वालिटी लॉग का विश्लेषण करते समय मैंने वो चीज देखी जो मुझे अक्सर दिखाई देती है। वो न्यूज पढ़ने, सुनने, देखने में बहुत समय लगा रहा था। वो सुबह 45 मिनट तक अखबार पढ़ता था, फिर ऑफिस जाते समय 30 मिनट तक न्यूज सुनता था, और फिर घर लौटते वक्त इतने ही समय दोबारा न्यूज सुनता था। अपने कामकाजी दिन के दौरान वो कई बार ऑनलाइन न्यूज अपडेट देखता रहता था, जिसमें कम से कम 20 मिनट का समय लगता था। घर लौटने के बाद वो अपने परिवार के हालचाल पूछता था और आखिरी 15 मिनट की स्थानीय खबरें सुनता था। फिर वो 30 मिनट तक खेल की खबरें सुनता था और सोने जाने से पहले रात को 10 बजे की आधा घंटे की न्यूज भी देखा करता था। कुल मिलाकर वो हर दिन न्यूज पढ़ने, सुनने, देखने में 3.5 घंटे लगा रहा था। यह आदमी अर्थशास्त्री या कॉमोडिटी ट्रेडर नहीं था, या किसी ऐसे पेशे में नहीं था जिसके लिए नवीनतम खबर जीवन मरण जितनी महत्वपूर्ण हो। जितना समय वो अखबार, रेडियो और टीवी की खबरों में लगा रहा था, वो उससे बहुत ज्यादा था जो किसी ज्ञानी मतदाता और समाज में योगदान देने वाले सदस्य को लगाना चाहिए। उसके खुद के व्यक्तिगत हितों को बढ़ाने के लिए उसे खबरों पर इतना ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं थी। दरअसल उसकी प्रोग्रामिंग के चयन ऐसे थे, या उसने कभी ये चयन ही नहीं किया था कि उसे बहुत कम मूल्यवान जानकारी मिल रही थी। सवाल यह है कि फिर वो हर दिन 4 घंटों तक खबरों का भोजन क्यों कर रहा था। ये एक आदत थी। मैंने सुझाव दिया कि वो अपना टीवी और रेडियो बंद रखे।
अपना अखबार बंद कर दे और उद्योग संबंधी खबरों का केवल एक संकलन पढ़ा करें, ताकि उसे केवल वही खबरें मिलें जो उसके व्यावसायिक और व्यक्तिगत हितों के लिए महत्वपूर्ण थी। ऐसा करने पर तुरंत ही 95% कचरा साफ हो गया जो उसके मन को उद्विग्न रखता था और उसका समय चूसता था। अब वो हर दिन 20 मिनट से कम समय में उन सारी खबरों की समीक्षा कर सकता था जो उसके लिए मायने रखती थी। इससे सुबह यात्रा के समय उसके पास 45 मिनट बचते थे और शाम को भी इतना ही समय, जिनका उपयोग वो सकारात्मक गतिविधियों में करने लगा। व्यायाम करना, प्रेरक व ज्ञानवर्धक सामग्री सुनना, पढ़ना, योजना बनाना, तैयारी करना और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। उसने मुझे बताया कि उसने पहले कभी खुद को इतना तनाव रहित महसूस नहीं किया। लगातार नकारात्मक खबरें आपको तनावग्रस्त कर देती हैं। उसने ये भी बताया कि उसने कभी इतना ज्यादा प्रेरित और एकाग्रचित महसूस नहीं किया जितना वो अब करता है। आदत में वो एक छोटा सा और सरल सा परिवर्तन, लेकिन संतुलन और उत्पादकता में एक लंबी छलांग। हो सकता है कि आप खबरों के दीवाने ना हो, इसीलिए इस उदाहरण से आपकी आंखें ना खुल पाई हो। मुझे एक और कोशिश करने दें। मुझे पूरा यकीन है कि इस उदाहरण के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे आज के बेहद जुड़े संसार में बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। ये एक ऐसा लक्षण है जिसे मनोवैज्ञानिक शब्दावली में डिजिफ्रेनिया कहा जाता है। ये एक मानसिक स्थिति है जो डिजिटल जानकारी की लगातार बमबारी से उत्पन्न होती है। मैंने अपने इनसेन प्रोडक्टिविटी पाठ्यक्रम में इस लक्षण पर चर्चा की है और ये बताया है कि इस बुरी आदत से जूझना कितना महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के अति उपयोग की आदतें आजकल बहुत आम हो चुकी है। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि इन आदतों की वजह से एकाग्रता कायम करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने की हमारी क्षमता कितनी नष्ट हो रही है। संसार 24/7/365 यानी हर पल हम तक कोई भी जानकारी पहुंचा सकता है। यह संसार की नई वास्तविकता है और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इससे निपटने का सही तरीका क्या है। हमने प्रौद्योगिकी को इसीलिए बनाया था ताकि जीवन ज्यादा आसान और ज्यादा उत्पादक बन जाए, लेकिन इसने इसका ठीक उल्टा परिणाम दिया है। प्रौद्योगिकी एक बेहतरीन साधन है लेकिन बहुत बुरी मालकिन है, और आज हम में से ज्यादातर लोग इसके गुलाम बन चुके हैं। इनसेन प्रोडक्टिविटी के एक सदस्य सर्जियो ने इसे इस तरह से स्पष्ट किया। डिजिफ्रेनिया का मेरी उत्पादकता पर बहुत प्रभाव पड़ा था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे दिन से कितने ज्यादा समय को खा रहा था। सबसे बुरा पहलू यह था कि इसके निगरानी करने का कोई आसान तरीका नहीं था कि मैं कितनी देर तक और कितनी बार अपने मोबाइल फोन पर समय खर्च कर रहा था। आखिरकार मैंने निगरानी करने वाला ऐप डाउनलोड किया जो बताता है कि स्क्रीन कितने समय तक ऑन रही। मुझे जानकर सदमा लगा कि मैं हर दिन मोबाइल पर 4-5 घंटे बिताता था और एक दिन में लगभग 150 बार इसे चेक करता था। इनसेन प्रोडक्टिविटी के एक और सदस्य पीट ने बताया, मैं सोचता था कि मेरा व्यवहार सामान्य है, लेकिन मेरा आईफोन और कंप्यूटर मेरे जीवन पर शासन कर रहे थे। मैं हर 2 मिनट बाद ईमेल चेक करता था, सोने जाने से पहले और जागने पर भी। टेक्स्ट मैसेज भेजता था, 1 घंटे में कई बार खबरों पर नजर डालता था, अपने घर की जांच करता था, तापमान और दरवाजे के ताले और कई अन्य चीजें। इन व्यवधानों का मेरे ग्राहकों और पारिवारिक सदस्यों के साथ जुड़ने की मेरी योग्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मेरे बहुत से कंप्यूटर मॉनिटरों पर कम से कम 5 एप्लीकेशन हर समय खुले रहते थे। फोन पर बातचीत करते वक्त भी मैं RSS फीड की जांच करता था, खरीदारी करता था, ईमेल पढ़ता था या उनका जवाब देता था। मुझे बताते हुए खुशी हुई कि सर्जियो और पीटर हमारे विद्यार्थी बने और हमारे 35,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के समूह में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण हासिल किया और डिजिफ्रेनिया को अलविदा कह दिया। जिस तरह ज्यादा मात्रा और कम पोषण वाला भोजन आपके शरीर को मोटा बनाता है, उसी तरह ज्यादा मात्रा और कम पोषण वाली जानकारी आपके दिमाग को भी मोटा बनाती है। प्रौद्योगिकी के जरूरत से ज्यादा व्यवधान करने की अनुमति देंगे तो देर सवेर आपको दिमाग की डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी बारी है। अपनी छोटी नोटबुक निकालकर उसमें अपने 3 शीर्ष लक्ष्य लिख दें। अब उन बुरी आदतों की सूची बनाएं जो हर क्षेत्र में आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है। हर एक को लिख लें। आदतें और व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपकी कथनी और करनी के बीच कोई विसंगति है तो मैं हर बार उस पर विश्वास करूंगा जो आप करते हैं। यदि आप मुझसे कहते हैं कि आप स्वस्थ बनना चाहते हैं लेकिन आपकी उंगलियों पर चिप्स के कण चिपके हुए हैं, तो मैं चिप्स पर विश्वास करूंगा। अगर आप कहते हैं कि स्वास्थ्य सुधार एक प्राथमिकता है लेकिन आप लाइब्रेरी की जगह वीडियो गेम खेलने में ज्यादा समय बिताते हैं, तो मैं वीडियो गेम पर विश्वास करूंगा। अगर आप कहते हैं कि आप समर्पित पेशेवर हैं लेकिन आप देर से और बिना किसी तैयारी के आते हैं, तो आपका व्यवहार हर बार आपकी पोल खोल देता है। आप कहते हैं कि आपका परिवार आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन अगर परिवार के सदस्य आपके व्यस्त कैलेंडर में कहीं नजर नहीं आते तो वो दरअसल प्राथमिकता नहीं है।
आपने अभी अभी बुरी आदतों की जो सूची बनाई थी उस पर नजर डालें। अब आपको ये फैसला करना है कि क्या ये ठीक है या फिर आप बदलना चाहते हैं। इसके बाद इस सूची में वो सारी आदतें लिख दें जो आपको डालने की जरूरत है, ऐसी आदतें जिनका निरंतर अभ्यास करने और उन्हें चक्रवृद्धि करने पर आप अपने लक्ष्य शानदार तरीके से हासिल कर लेंगे। इस सूची को बनाना अपनी आलोचना या अफसोस में ऊर्जा बर्बाद करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो इस बारे में स्पष्टता हासिल करना है कि आप क्या बेहतर बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यही नहीं छोड़ रहा हूं, आइए इन हानिकारक बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ें और उनकी जगह पर नई सकारात्मक और स्वस्थ आदतें बो दें। खेल बदलने वाले बुरी आदतें छोड़ने की 5 रणनीतियां। आपने अपनी सभी आदतें सीखी हैं, इसलिए आप उन्हें नहीं भी सीख सकते हैं यानी हटा भी सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की कश्ती को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बुरी आदतों के लंगर उठाने होंगे जिन्होंने आपको नीचे रखा हुआ है। कुंजी अपनी क्यों शक्ति को इतना मजबूत बनाता है कि यह तुरंत संतुष्टि की आपकी आकांक्षाओं से ज्यादा प्रबल हो जाए, और इसके लिए आपको एक नए गेम प्लान की जरूरत है। नीचे मैं अपनी प्रिय रणनीतियां हैं बता रहा हूं। अपने ट्रिगर पहचाने, अपनी बुरी आदतों की सूची पर नजर डालें, पहचाने कि हर आदत को कौन सी चीज ट्रिगर करती है। हर बुरे व्यवहार के पीछे 4 कौ होते हैं, कौन, क्या, कहां और कब, उसका अनुमान लगाएं। उदाहरण के लिए, क्या आपके बहुत ज्यादा शराब पीने की तब ज्यादा संभावना होती है जब आप निश्चित लोगों के साथ होते हैं? क्या दिन का कोई खास समय है जब आपके मन में कुछ मीठा खाने की तीव्र इच्छा होती है? कौन सी भावनाएं आपकी सबसे बुरी आदतों को उत्तेजित कर देती हैं? तनाव, थकान, क्रोध, घबराहट, बोरियत, आप इन भावनाओं का अनुभव कब करते हैं? आपके साथ कौन होता है, आप कहां होते हैं या आप क्या कर रहे होते हैं? कौन सी स्थितियां आपकी बुरी आदतों को सतह पर लाती हैं? कार में बैठना, प्रदर्शन, समीक्षाओं के पहले का समय, ससुराल की यात्रा, सम्मेलन, सामाजिक दायरा, शारीरिक असुरक्षा महसूस करना, डेडलाइन। अपनी दिनचर्या को गौर से देखें। आप सामान्यतः क्या कहते हैं जब आप जागते हैं कॉफी या लंच ब्रेक में, लंबे दिन के बाद घर लौटते समय? एक बार फिर अपनी नोटबुक निकालें या बैड हैबिट किलर वर्कशीट का इस्तेमाल करें, इसमें अपने ट्रिगर रख लें। सिर्फ इसी आसान काम से आपकी जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जाहिर है आपको इससे आगे भी कुछ करना होगा, क्योंकि जैसा हम बात कर चुके हैं, किसी बुरी आदत की जागरूकता को बढ़ाना ही इसे छोड़ने के लिए काफी नहीं है। दूसरा, साफ घर, सफाई में जुट जाएं। मेरा मतलब शब्दशः भी है और आलंकारिक भी। अगर आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं तो अपने घर से इसकी हर बूंद हटा लें, ग्लास हटा दें, पीते समय इस्तेमाल में आने वाला वो शानदार बर्तन या इससे जुड़ी दूसरी चीजें और वो सजावटी ऑलिव भी। अगर आप चाहते हैं कि आप रात को बहुत ज्यादा टीवी देखना छोड़ दें तो अपने केबल, नेटफ्लिक्स और अन्य सदस्यता सेवाओं को रद्द कर दें। अगर आप अपना खर्च कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक शाम को समय निकालकर हर कैटलॉग या रिटेल ऑफर को रद्द कर दें जो आपके मेल बॉक्स या आपके इनबॉक्स में चली आती है, ताकि आपको सामने वाले दरवाजे से कचरे की बाल्टी तक चलकर जाने के कष्ट की भी जरूरत ना रहे। अगर आप ज्यादा स्वस्थ दिखना चाहते हैं तो अपनी अलमारियों में से सारे हानिकारक आहार की सफाई कर दें, जंक फूड खरीदना छोड़ दें और इसी तर्क पर विश्वास करना छोड़ दें कि आपके परिवार में दूसरे लोगों को जंक फूड से सिर्फ इसीलिए इनकार करना उचित नहीं है क्योंकि आप इसे अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। आपके परिवार का हर व्यक्ति इसके बिना ही बेहतर है, इसे घर में ना लाएं, बात खत्म। जो भी आपकी बुरी आदतों को शक्तिशाली बनाता है उससे छुटकारा पा लें। तीसरा, इसकी अदला बदली करें। बुरी आदतों की अपनी सूची को दोबारा देखें। आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं ताकि वो इतने नुकसानदेह नहीं रहें? क्या आप उनकी जगह पर ज्यादा स्वस्थ आदतें डाल सकते हैं या उन्हें हमेशा के लिए लात मार सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए? जो भी मुझे जानता है वो ये भी जानता है कि भोजन के बाद मुझे मीठा बेहद पसंद है। अगर घर में आइसक्रीम है तो इसका मतलब ट्रिपल स्कूप बनाना स्लिप्ड भी हो सकता है, जिसके साथ दूसरी चीजों को मिलाकर यह 1255 कैलोरी का मामला बन जाता है। इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए अब मैंने 2 हर्शीज किसेस 50 कैलोरी की आदत डाल ली है। हाल के वर्षों में मैंने इस अदला बदली को एक कदम ऊपर पहुंचा दिया है और अब मैं व्हिप्ड क्रीम से घर पर बना जिलेटिन खाता हूं, स्टोर से खरीद कर नहीं, क्योंकि स्टोर वाले में शक्कर भरी रहती है। हाँ, मुझे मीठा खाने के अपने शौक की भरपाई करने के लिए ट्रेडमिल पर एक अतिरिक्त घंटा नहीं बिताना पड़ता। मेरी साली ने टीवी देखते समय कुरकुरे और नमक वाला जंक फूड खाने की आदत डाल ली थी। वो टोर्टिला चिप्स का पूरा पैकेट खा जाती और उसे पता भी नहीं चलता था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे जिस चीज में सचमुच आनंद आता था वो उसके मुंह में होने वाली कुरकुरी अनुभूति थी। उसने अपनी बुरी आदत की जगह गाजर, सेलरी स्टिक्स और रॉ ब्रोकली स्पेयर्स को कुतरना शुरू कर दिया। उसे वही आनंददायक अनुभूति मिली और उसमें अच्छी बात यह रही कि उसका FDA अनुशंसित सब्जियों का कोटा भी पूरा हो गया।
एक व्यक्ति मेरे लिए काम करता था और उसमें हर दिन 8-10 डाइट कोक पीने की आदत थी। ये बुरी आदत है। मैंने सुझाव दिया कि इसकी जगह वो कम सोडियम वाला कार्बोनेटेड पानी पिए और उसमें ताज़ा नींबू, लाइम या संतरा मिला ले। उसने ये लगभग 1 महीने तक किया और इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कार्बोनेटेड की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो सादे पानी पर आ गया। इसके साथ खेलें और देखें कि आप कौन सी आदतें या व्यवहार को हटाकर उनकी जगह लाभदायक अदला बदली कर सकते हैं। चौथा, आराम से। मैं प्रशांत महासागर के पास रहता हूँ। जब भी मैं पानी में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने पंजों को पानी में डालकर अनुकूलन करता हूँ, फिर मैं घुटनों तक पानी में जाता हूँ, फिर कमर और सीना, उसके बाद मैं छलांग लगाता हूँ। कुछ लोग अनुकूलन किए बिना तेजी से दौड़ कर जाते हैं और बात खत्म कर देते हैं, उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। मुझे आराम से रास्ता तय करना पसंद है। शायद इसका कारण मेरे बचपन का यातना भरा प्रसंग होना, जैसा आप अगली रणनीति में देखेंगे। अनुकूलन की प्रक्रिया आपकी कुछ दीर्घकालीन और गहरी जड़ों वाली आदतों के लिए ज्यादा प्रभावी हो सकती है कि आप उन्हें खोदते समय आराम से छोटे कदम उठाएं। हो सकता है कि आपने दशकों तक उन आदतों को दोहराकर मजबूत बनाया हो, इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप उन्हें एक बार में एक एक कदम उठाकर धीरे धीरे खुदाई करें। कुछ साल पहले मेरी पत्नी के डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ महीनों तक कैफीन कम करें। हम दोनों को ही कॉफी से प्रेम है, इसलिए अगर वो कष्ट उठाने जा रही है तो मैंने ये न्यायपूर्ण निर्णय लिया कि हम दोनों को ही ऐसा करना चाहिए। पहले सप्ताह हमने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया, 50% डी कैफिनेटेड और 50% नियमित, फिर अगले सप्ताह 100% डी कैफ, इसके बाद अगले सप्ताह अर्ली ग्रेड डी कैफ टी, इसके बाद डी कैफ ग्रीन टी। हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में 1 महीने तक का समय लग गया, लेकिन इस दौरान हमें कैफीन विड्रॉल का जरा भी कष्ट नहीं हुआ। कोई सरदर्द नहीं, उनिंदापन नहीं, दिमाग में थकान नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम इसे एकदम से कर देते, ओ मैं तो ये सोचकर ही कांप उठता हूं। पांचवा, कूद जाएं। हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कुछ लोगों के लिए यह ज्यादा आसान होता है कि वो अपनी जीवन शैली में कई बुरी आदतों को एक साथ बदल लें। मिसाल के तौर पर पथ प्रदर्शक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीन ऑर्निश ने बताया कि वो जीवन शैली में भारी परिवर्तन करके लोगों के गंभीर हृदय रोग को सही कर सकते हैं, दवा या सर्जरी के बिना। उन्होंने पाया कि इन लोगों को ये ज्यादा आसान लगता था कि वो अपनी सारी बुरी आदतों को एक साथ अलविदा करते हैं। वो उन्हें एक प्रशिक्षण सत्र में ले गए जहां फैट और कोलेस्ट्रॉल से भरे वर्तमान आहार के बजाय उन्हें बहुत कम फैट वाली डाइट दी गई। इस प्रोग्राम में व्यायाम शामिल किया गया था, उन्हें बिस्तर से उतारना और चलना या जॉगिंग करना, साथ ही तनाव कम करने वाली तकनीकें और हृदय को स्वस्थ रखने वाली दूसरी आदतें भी थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि 1 महीने से कम समय में ही इन रोगियों ने जीवन भर की बुरी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना सीख लिया, और इसका परिणाम यह रहा कि 1 साल बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बेहतर हो गया। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे नियम नहीं अपवाद मानता हूं, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी तरह कारगर होगी। जब मैं बच्चा था तो मेरा परिवार लेक रॉलिंस नामक एक कम लोकप्रिय जगह पर कैंपिंग करने जाता था। ये झील उत्तरी कैलिफोर्निया में सियेरा से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ ग्लेशियरों का पानी लेक टेहो के पहाड़ों के ऊपर से पिघल कर आता था। पानी बेहद ठंडा होता था। वहां कैंपिंग करते वक्त मेरे डैडी हर दिन जोर देते थे कि मैं पोलर पॉन्ड में वाटर स्की करूं। दिन भर मैं मन ही मन चिंतित रहता था कि मुझे ये करने को कहेंगे। मुझे वाटर स्की से प्रेम था, मुझे तो बस पानी में जाने से नफरत थी। जाहिर है यहाँ वो थोड़ी अतार्किक बात थी, क्योंकि आप पानी में जाए बिना वाटर स्की नहीं कर सकते। डैडी ने मुझे कभी एक दिन का भी नागा नहीं करने दिया। कई बार तो उन्होंने दरअसल मुझे उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया। हाइपोथर्मिया के करीब रहने के एक दर्जन या इतने यातनामय पलों के बाद मुझे पानी हमेशा बेहतरीन लगता था। बर्फीले पानी के अंदर जाने की मेरी कल्पना ज्यादा बुरी थी। उसमें सचमुच कूदना इतना बुरा नहीं था। एक बार जब मेरा शरीर अनुकूलन कर लेता था तो वाटर स्कीइंग शानदार अनुभव होती थी, लेकिन ये पता होने के बावजूद मैं दहशत और राहत के इस चक्र से हर दिन गुजरता था। ये अनुभव किसी बुरी आदत को अचानक छोड़ने या बदलने जैसा ही है। कुछ समय तक ये यातनामय महसूस हो सकता है, जिससे आप काफी परेशान हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह होमियोस्टेसिस नामक प्रक्रिया के जरिए शरीर एक बदलते परिवेश से संतुलन बिठाता है, उसी तरह हम में अपरिचित व्यवहारों के परिवर्तनों से तालमेल बिठाने को ही होमियोस्टेटिक योग्यता होती है। आमतौर पर हम काफी जल्दी ही नई परिस्थितियों के प्रति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं। कई बार धीरे धीरे जाने से काम नहीं चलता है। कई बार तो आपको सचमुच पूरी ताकत से कूदना होता है। खुद से अभी पूछें,
मैं कहां धीमे शुरू कर सकता हूं और खुद को जवाबदेह ठहरा सकता हूं, और मुझे कहां ज्यादा बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। मैं दर्द या असुविधा से कहां बच रहा हूं, जबकि मैं तहे दिल से जानता हूं कि अगर मैं बस ये कह लूं तो पल भर में अनुकूलन कर लूंगा। मेरे पूर्व साझेदार का एक शराबी भाई था जो दिन भर बियर पीता रहता था और पार्टी की जान कहलाता था। वो लंच में पीता था, डिनर में पीता था, डिनर के बाद पीता था और पूरे वीकेंड में भी पीता रहता था। एक दिन वो अपने कॉलेज रूममेट की शादी में गया, जहां उसने रूममेट के भाई को देखा जो उन दोनों से 10 साल बड़ा था, लेकिन वो उनसे 10 साल छोटा दिख रहा था। उसने उस आदमी को शादी के दौरान नाचते हंसते और खेलते देखा। उसके अंदर ऐसी जीवंतता और स्फूर्ति दिख रही थी जो शराबी भाई ने कई सालों से महसूस नहीं की थी। उसने उसी क्षण ये निर्णय ले लिया कि वो दोबारा कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। सीधा निर्णय, दोबारा कभी नहीं। यह निर्णय उसने 15 साल पहले लिया था, लेकिन इसके बाद उसने सचमुच कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घरेलू बुरी आदतों को बदलने के मामले में मैं पहले अंगूठा डुबाता हूं, लेकिन मेरे पेशेवर जीवन में बड़ी छलांग लगाना मुझे ज्यादा प्रभावी लगता है। किसी नए व्यवसाय के प्रति समर्पण हो या संभावित नए ग्राहकों, साझेदारों या निवेशकों के साथ व्यवहार हो, धीरे धीरे करने से आमतौर पर यह काम होता ही नहीं है। ऐसे समय में मैं हर बार लेक रॉलिंस वाले अनुभव के बारे में सोचता हूं और याद रखता हूं कि ये पहले पहल तो कष्टकारी होगा, लेकिन कुछ समय बाद मुझे आनंद आने लगेगा। इसीलिए थोड़े समय की असुविधा को झेलने में कोई बुराई नहीं है। दोष खोजने का अभियान शुरू करते हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप अपने जीवन की हर बुरी चीज को खत्म कर दें या छोड़ दें। ज्यादातर चीजें संयम में अच्छी हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कोई बुरी आदत आपकी बॉस बन रही है। मैं अपने दोषों की जांच करने में यकीन रखता हूं। बीच बीच में मैं पाप के उपवास करता हूं। मैं एक पाप को चुनता हूं और उसका उपवास करता हूं, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि वो नहीं बल्कि मैं निर्णय लेने वाला विजेता हूं। मेरे पाप हैं कॉफी, आइसक्रीम, वाइन और फिल्में। मैं आपको अपने आइसक्रीम के जुनून के बारे में पहले ही बता चुका हूं। जब बात वाइन की आती है तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं एक ग्लास का आनंद लेते समय दिन का जश्न मनाऊं, बुरे मूड को दुबाने की कोशिश नहीं करूं। हर 3 महीने के बाद मैं एक दोष को चुनता हूं और 30 दिनों तक इससे दूर रहता हूं। यह शायद मेरी कैथोलिक लैंड परवरिश की वजह से शुरू हुआ होगा। मुझे खुद के सामने यह साबित करना बहुत पसंद है कि मैं अब भी प्रभारी हूं। इसे खुद आजमा कर देखें। एक दोष को लें, कोई ऐसी चीज जिसे आप संयम में करते हैं लेकिन आप जानते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ हित में योगदान नहीं देती, और 30 दिनों का नागा करके देखें। अगर आपको उन 30 दिनों में उससे दूर रहना सचमुच मुश्किल लगे तो आपको एक आदत मिल गई है जिसे आपको अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। खेल बदलने वाली अच्छी आदतें डालने की 6 तकनीकें। जो बुरी आदतें आपको गलत दिशा में ले जा रही थी उन्हें खत्म करने में हमने आपकी मदद कर दी है। अब हमें नए चयन, व्यवहार और अंततः आदतें उत्पन्न करने की जरूरत है जो आपको अंततः आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं की दिशा में ले जाए। बुरी आदत हटाने का मतलब है अपनी दिनचर्या में से कोई चीज हटाना। दूसरी तरफ नई ज्यादा उत्पादक आदत को डालने के लिए पूरी तरह अलग योग्यताओं की जरूरत होती है। आपको बीज बोना होगा, पानी देना होगा, खाद देनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सही से जड़ पकड़ ले। इस काम में प्रयास, समय और अभ्यास की जरूरत होती है। अच्छी आदतों को डालने की मेरी प्रिय तकनीकें ये हैं। नेतृत्व विशेषज्ञ जॉन सी मैक्सवेल ने कहा था, आप तब तक अपना जीवन नहीं बदल पाएंगे जब तक कि आप अपनी दिनचर्या की किसी चीज को ना बदल लें। आपकी सफलता का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा होता है। शोध के अनुसार किसी नई आदत को अचेतन अभ्यास में बदलने के लिए 300 बार सकारात्मक पुष्टि की जरूरत होती है, यानी लगभग 1 साल तक हर दिन अभ्यास करना। सौभाग्य से, जैसा हमने पहले बात की, हम जानते हैं कि मेहनत भरी एकाग्रता के 3 सप्ताह बाद ही नई आदत काफी मजबूत हो जाती है और इसके दीर्घकालीन बनने में काफी अच्छी संभावना रहती है। इसका मतलब है कि अगर हम पहले 3 हफ्तों तक हर दिन किसी नई आदत पर खास ध्यान देते हैं तो हमारे पास इसे आजीवन अभ्यास बनाने का कहीं बेहतर अवसर होता है। सच्चाई यह है कि आदत 1 सेकंड में भी बदल सकती है और हो सकता है कि यह 10 साल बाद भी ना बदले। जब आपने पहली बार गर्म स्टोव को छुआ तो आपको तुरंत पता चल गया था कि आप इसे कभी आदत नहीं बनाएंगे। सदमा और दर्द इतना गहन था कि आपकी जागरूकता हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। आप जानते थे कि आप गर्म स्टोव के मामले में जीवन भर चेतन में रहेंगे। कुंजी जागरूक रहना है। अगर आप किसी अच्छी आदत को वाकई कायम रखना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 1 बार इस पर ध्यान दें। आप इस पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। 1, खुद को सफलता के लिए तैयार करें। किसी नई आदत को आपके जीवन और जीवन शैली के भीतर काम करना होता है। अगर आप 20 मील दूर स्थित जिम की सदस्यता लेते हैं तो आप वहां ज्यादा बार नहीं जाएंगे। अगर आप रात के उल्लू हैं लेकिन जिम शाम को 6 बजे बंद हो जाता है
तो भी आपके लिए कारगर नहीं होगा। आपका जिम करीब और सुविधाजनक होना चाहिए। इसे आपकी दिनचर्या के हिसाब से सही होना चाहिए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और ज्यादा स्वस्थ आहार खाना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके फ्रिज और पेंट्री में स्वस्थ विकल्प भरे हों। अगर आप ये चाहते हैं कि दोपहर में भूख लगने पर आप वेंडिंग मशीन स्नैक्स पर टूट नहीं पड़े तो क्या करें? अपनी डेस्क के ड्रॉअर में ड्राई फ्रूट और स्वस्थ नाश्ते रखें। जब आपको भूख लगती है तो ये भोजन सबसे आसान और सबसे लुभावना नजर आता है, वो है शुद्ध कार्बोहाइड्रेट। मेरी रणनीति ये होती है कि मैं हमेशा प्रोटीन साथ रखता हूँ। मैं रविवार को प्रोटीन्स को ग्रिल करके पैक कर लेता हूँ और पूरे सप्ताह के लिए तैयार रखता हूँ। मेरे मामले में ईमेल की लत सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाली और विनाशकारी आदतों में से एक है। गंभीरता से कह रहा हूँ, ये कोई हंसने वाला मामला नहीं है। अगर मैं ईमेल व्यवस्थित करने और एकाग्र रहने के बारे में सतर्क नहीं रहूं तो हर दिन इनबॉक्स में ईमेल के भारी ढेर से मेरी घंटों की एकाग्रता खो सकती है। मैंने दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करने की आदत नई बना ली है। अनुशासित रहने के लिए मैंने सारे अलार्म ऑटोमेटिक रिसीव के फंक्शन बंद कर दिए हैं। यही नहीं, 3 बार ईमेल चेक करने की अवधियों के अलावा बाकी समय मैं प्रोग्राम बंद रखता हूँ। मैंने उस भंवर के आसपास दीवारें बना ली हैं ताकि मैं दिन भर उसमें ना गिरूं। दूसरा, घटना के बारे में नहीं जोड़ने के बारे में सोचें। पूर्व टॉक शो होस्ट मॉन्टेल विलियम्स ने मुझे एक बेहतरीन टिप दी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मल्टीपल स्केलोरोसिस बीमारी के कारण उन्हें कठोर डाइट पर चलना पड़ता है। मॉन्टेल ने जोड़ने का सिद्धांत अपनाया है और मैं सोचता हूं कि आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, इस सिद्धांत से आपको काफी मदद मिल सकती है। उन्होंने मुझे बताया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप अपनी डाइट में से क्या बाहर निकालते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप क्या अंदर रखते हैं। ये जीवन के लिए उनकी उपमा बन गया है। वो ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें खुद को किसी चीज से वंचित रखना होगा या अपनी डाइट में से कोई चीज निकालनी होगी। जैसे मैं हैमबर्गर, चॉकलेट या डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकता। इसके बजाय वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो क्या खा सकते हैं। जैसे आज मैं सलाद, स्टीम्ड सब्जियां और ताजे अंजीर खाने वाला हूं। जो वो खा सकते हैं वो उसी पर एकाग्र रहते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं। इससे फायदा होता है कि जो वो नहीं खा सकते उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, ना ही उनका मन ललचाता है। उन्हें जो त्याग करना है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय मॉन्टेल इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या जोड़ना है। परिणाम काफी अच्छा होता है। मेरा एक मित्र टीवी देखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की बुरी आदत छोड़ना चाहता था। उसकी मदद करने के लिए मैंने उससे पूछा कि अगर उसके पास 3 घंटे का खाली समय रहेगा तो वो क्या करना पसंद करेगा। उसने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा खेलने लगेगा। मैंने उसे ये भी कहा कि वो कोई हॉबी चुन ले जिसे वो हमेशा से करना चाहता है। उसने फोटोग्राफी को चुना। वो टेक्नोलॉजी प्रेमी था, इसीलिए हाईटेक एडिटिंग उपकरण ले आया जिन्हें वो खुशी खुशी पारिवारिक सैर में उठाकर ले जाता था ताकि वो अपने बच्चों के बेहतरीन फोटो खींच सके। फिर वो शाम को घंटों उनकी एडिटिंग करके स्लाइड शो और फोटो एल्बम बनाता था जिन्हें देखने में पूरे परिवार को मजा आता था। अंत में उन्होंने इकट्ठे समय गुजारा, हंसी मजाक किया और ये याद किया कि उन्हें कितना मजा आया था क्योंकि वो अपने बच्चों और फोटोग्राफी पर बहुत ज्यादा केंद्रित था। इसीलिए अब उसके पास रात को बैठकर टीवी देखने का ना तो समय था और ना ही इच्छा। उसे एहसास हुआ कि वो टीवी इसीलिए देख रहा था क्योंकि यह व्यस्त कामकाजी दिन के बाद आसान मानसिक पलायन था। टीवी देखने की आदत की बजाय बच्चों के साथ खेलने और अपनी फोटोग्राफी की हॉबी पर काम करने की नई आदत डालने में उसे बड़ा मजा आया। उसका उत्साह बढ़ा और उसे ज्यादा अच्छा पुरस्कार मिला। आप क्या जोड़ने का चयन कर सकते हैं जिससे आपको समृद्ध जीवन अनुभव मिल सकता है? तीसरा, PDA, जवाबदेही का सार्वजनिक प्रदर्शन करें। किसी भी सार्वजनिक पद पाने वाले व्यक्ति को शपथ लेते देखें। मैं शपथ लेता हूं और फिर वो बताता है कि वो अपने चुनाव प्रचार के वादों को कैसे पूरा करेगा। वो जानता है कि सार्वजनिक घोषणा करने के बाद उसे हर एक काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो उसके वादों को पूरा नहीं करता है और हर उस काम के लिए उसकी तारीफ की जाएगी जो उसके लक्ष्यों की दिशा में होगा। किसी नई आदत को मजबूत बनाना चाहते हैं, लोगों को बता दें। सोशल मीडिया की वजह से आज ये काम जितना आसान है उतना कभी नहीं रहा। मैंने एक महिला के बारे में सुना जिसने अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने एक अनोखा तरीका आजमाया। वो दिन में जो भी खर्च करती थी एक एक सिक्के के बारे में अपने ब्लॉग में लिखती थी। उसका परिवार, मित्र और बहुत से सहकर्मी उसके खर्च की आदतों पर नजर रख रहे थे। निगरानी के लिए इतनी सारी आंखों का परिणाम यह हुआ कि वो पैसों के मामले में कहीं ज्यादा जिम्मेदार और अनुशासित हो गई। मैंने एक बार एक सहकर्मी की सिगरेट की आदत छोड़ने में मदद की क्योंकि मैंने कंपनी में हर व्यक्ति को यह बता दिया था, सुनो जिल्डा ने सिगरेट छोड़ने का निर्णय लिया है, क्या ये बेहतरीन नहीं है? उसने अभी अभी अपनी आखिरी सिगरेट पी है। फिर मैंने उसके क्यूबिकल के बाहर एक बड़ा वॉल कैलेंडर लगा दिया। जब वो सिगरेट नहीं पीती थी
तो हर दिन जेल्डा को कैलेंडर पर एक बड़ा मोटा लाल एक्स खींचना होता था। सहकर्मी इस पर गौर करने लगे और उसका उत्साह बढ़ाने लगे। चार्ट बड़े लाल एक्स से भरने लगा और सजीव बन गया। जेल्डा उस चार्ट को नहीं छोड़ना चाहती थी, अपने सहकर्मियों को निराश नहीं करना चाहती थी और खुद हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने सिगरेट छोड़ दी। अपने परिवार को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, फेसबुक और ट्विटर पर बताएं, ये संदेश फैला दें कि आप शक्तिशाली हैं और अपने जीवन के प्रभारी हैं। चौथा, सफलता साथी खोजें। दो लोग हाथ पकड़कर एक ही लक्ष्य की दिशा में चलें, इससे ज्यादा शक्तिशाली चीजें बहुत कम होती हैं। अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई सफलता साथी खोजें जो आपकी नई आदत को मजबूत करते समय आपको जवाब दे रखेगा और आप भी उसके लिए ऐसा ही करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे एक पीक परफॉर्मेंस पार्टनर हैं। हर शुक्रवार को ठीक 11 बजे हम आधा घंटे तक बात करते हैं, जिस दौरान हम अपनी जीत हार सुधार आह बताते हैं और आवश्यक फीडबैक का आग्रह करते हैं। इस दौरान हम एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। आप नियमित पैदल चलने, दौड़ने या जिम जाने के लिए सफलता साथी बना सकते हैं। आप व्यक्तिगत विकास की पुस्तकों या सकारात्मक विचारों के आदान प्रदान के लिए सफलता साथी बना सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और एकजुटता। आपके प्रतिस्पर्धी जज्बे को जगाने के लिए मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा जैसा कुछ नहीं है ताकि आप एक धमाके के साथ नई आदत में डूब जाएं। इसका एक उदाहरण देखें। पिछली गर्मियों में मैंने हमारे 350,000 डेरिन डेली सदस्यों को निरंतरता की चुनौती दी। हमने इसे 90 दिनों का रेवन रन चैलेंज कहा, जिसका नामकरण साउथ बीच के मशहूर धावक रॉबर्ट रेवन क्राड के नाम पर किया गया था। साउथ बीच मियामी की सफेद रेत पर रेवन पिछले 45 साल से ज्यादा समय से 8 मील दौड़ रहे हैं, ये लिखे जाने तक। इस दौरान उन्होंने एक दिन का भी नागा नहीं किया है। तूफानों में भी, जांघों के दर्द में भी, टूटी हड्डियों में भी, फूड पॉइजनिंग में भी, निमोनिया और अन्य परिस्थितियों में भी। चुनौती सरल थी, 90 दिनों तक हर दिन कम से कम 1 मील दौड़ें। देखिए, अगर रेवन 16,500 से अधिक दिनों तक 8 मील दौड़ सकते हैं तो हम 90 दिनों तक 1 मील तो दौड़ ही सकते हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं जानता था कि डेरिन डेली के कई सदस्य इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ज्यादातर इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। वास्तव में मैंने अपनी टीम से शर्त लगाई थी कि 10% भी 90 दिन तक इस आदत को कायम नहीं रख पाएंगे। निरंतरता की कमी मानव जाति की कमजोर नस है। मैंने जिस चीज के बारे में नहीं सोचा था वो थी प्रतिस्पर्धा की शक्ति और साहचारी का ईंधन। इसी कारण मेरे अनुमान से 3 गुने से भी ज्यादा लोगों ने सफलतापूर्वक चुनौती पूरी की। लेकिन जैसे ही प्रतिस्पर्धा खत्म हुई, मैं देखकर ठगा रह गया कि व्यायाम की निरंतरता कम होने लगी। प्रतिस्पर्धा के 1 महीने बाद ही ये 60% से भी ज्यादा कम हो गई। जब हमने एक और प्रतिस्पर्धा आयोजित की तो संलग्नता और निरंतरता दोबारा बढ़ गई। लोगों के इंजन को चलाने के लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा की जरूरत होती है। बदले में उन्हें एक साझा अनुभव, समुदाय का अद्भुत एहसास और मजा भी मिलता है। आप अपने मित्रों, सहकर्मियों या टीम के साथियों के साथ किस तरह की दोस्ताना प्रतिस्पर्धा आयोजित करा सकते हैं? आप अपनी नई आदत में मजेदार प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धी जज्बा कैसे डाल सकते हैं? छठा, जश्न मनाएं। काम में लगे रहने और खेलकूद में नहीं लगे रहने से जैक ढीला हो जाता है, ये पीछे फिसलने का नुस्खा है। रास्ते में आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। आप लाभ के बिना लगातार त्याग करने से काम पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन खुद को देने के लिए छोटे छोटे पुरस्कार खोजने चाहिए। जैसे ये छोटा सा श्रेय कि आपने एक नए व्यवहार को सफलतापूर्वक कर लिया, शायद टहलना, तनाव रहित बात या मजे के लिए कोई चीज पढ़ना। ज्यादा बड़ी उपलब्धियों के लिए मसाज बुक कर लें या अपने प्रिय रेस्टोरेंट में डिनर लें। वादा करें कि जब आप इंद्रधनुष के अंत में पहुंचेंगे तो खुद को स्वर्ण कलश देंगे। परिवर्तन मुश्किल है, वाह। एक चीज जो 99% असफल और सफल लोगों में आम होती है, वो दोनों ही उन्हीं कामों को करना नापसंद करते हैं। फर्क यह है कि सफल लोग अपनी नापसंदगी के बावजूद उन कामों को कर देते हैं। परिवर्तन मुश्किल होता है, इसीलिए लोग अपनी बुरी आदतों का कायाकल्प नहीं करते हैं और इसीलिए इतने सारे लोग अंततः दुखी और अस्वस्थ रहते हैं। बहरहाल, इस सच्चाई के बारे में जो चीज मुझे रोमांचित करती है वो यह है कि अगर परिवर्तन आसान होता और इसे हर कोई कर लेता तो यह आपके और मेरे लिए अलग दिखना और असाधारण सफलता पाना ज्यादा मुश्किल होता। साधारण हमेशा आसान है, असाधारण ही आपको भीड़ से अलग करता है। जब कोई चीज मुश्किल होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा खुश होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग वो नहीं करेंगे जो इस मुश्किल स्थिति में करने की जरूरत होती है, इसीलिए ये मेरे लिए सबसे आगे कदम रखना और बढ़त हासिल करना ज्यादा आसान होगा। मुझे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के वाक्पटुता भरे शब्द बहुत पसंद है। किसी इंसान का चरम पैमाना ये नहीं है कि वो आराम और सुविधा के पल में कहां खड़ा होता है, बल्कि ये है कि वो चुनौती के समय में कहां खड़ा होता है।
जब आप मुश्किलों, निरस्ता और परेशानियों के बावजूद लगन से आगे बढ़ते हैं, तभी आप में महत्वपूर्ण सुधार होता है और आप प्रतिस्पर्धा से आगे निकलते हैं। अगर ये मुश्किल है, अजीब है या नीरस है तो होने दें, बस इसे कर दें। और जब आप इसे करते रहेंगे तो संचयी परिणाम का जादू आपको आकर्षक पुरस्कार देगा। धैर्य रखें। जब बात अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने और नई आदतें डालने की आती हैं, तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपको खुद के साथ धैर्य रखना होगा। जिन व्यवहारों को आप इस समय बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर आपने उन्हें 20, 30 या 40 साल तक दोहराया है, तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि स्थायी परिणाम देखने के लिए काफी समय और प्रयास लगेगा। विज्ञान बताता है कि कई बार दोहराए गए विचारों और कार्यों के पैटर्न न्यूरो सिग्नेचर या ब्रेन ग्रूव यानी मस्तिष्क के खांचे बना देते हैं। किसी खास आदत के विचार पैटर्न आपस में जुड़े न्यूरॉन्स की एक श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। उस आदत को ध्यान से पोषण मिलता है। जब हम किसी आदत पर ध्यान देते हैं तो हम मस्तिष्क के उस खांचे को सक्रिय कर देते हैं और उस आदत से संबंध, विचार, इच्छाएं और कार्य तुरंत सामने आ जाते हैं। सौभाग्य से हमारे मस्तिष्क लचीले होते हैं। जब हम बुरी आदतों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो ये खांचे कमजोर हो जाते हैं। जब हम नई आदतें डालते हैं तो हर दोहराव के साथ हम नए खांचों को ज्यादा गहरा बनाते हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहे तो ये नए खांचे अंततः पिछली आदतों से ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। नई आदतें डालने और अपने मस्तिष्क के नए खांचे बनाने में जरा समय तो लगेगा। खुद के साथ धैर्यवान बने। अगर आप परिवर्तन की गाड़ी से गिर जाते हैं तो धूल साफ करें, खुद को ना कोसें और दोबारा उस पर चढ़ जाएं, कोई समस्या नहीं। हम सभी गिरते हैं, बस दोबारा चल दें और दूसरी रणनीति आजमाएं। अपने समर्पण और निरंतरता की पुष्टि करते रहें। अगर आप लगन से आगे बढ़ते हैं तो आपको बड़े पुरस्कार मिलेंगे। पुरस्कार की बात आई है तो मैं बताना चाहता हूं कि अगला अध्याय वो जगह है जहां हम सचमुच भीड़ से अलग हटकर दिखना शुरू करेंगे। यहीं पर बहुगणित परिणाम सचमुच दिखने लगेगा। आपने पहले 3 अध्यायों की बुनियादी बातों से जो अनुशासित प्रयास लागू किया है, उसका पुरस्कार आपको आगे मिलेगा, बड़ा पुरस्कार।